हेलो दोस्तों दोस्तों इंडिया वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट का डे फोर का खेल समाप्त हो चुका है इसी का के साथ बांग्लादेश का दो सौ बहत्तर रन पे छः विकेट गिर चुका है यहाँ से टीम इंडिया को जीत के लिए चार विकेट चाहिए वहीं बांग्लादेश को जीत के लिए दो सौ इकहत्तर रन चाहिए क्या साकििब अल हसन जो बांग्लादेश के कप्तान है वो कुछ खास कर पाएंगे और क्या देखने लायक अभी है कि मेहंदी हसन मिराज जो कि ओडियाई सीरीज़ में काफ़ी खतरनाक दिखे थे वो भी क्या कुछ खास कर पाएंगे हालांकि बांग्लादेश के सिर्फ टेस्ट में डेब्यू कर रहे हैं जाकिर हसन ने पहले अपने टेस्ट डेब्यू में शतक लगा दिया और, और टेस्ट डेब्यू में शतक लगाने वाले चौथे बल्लेबाज बन गए क्या टीम इंडिया कुछ यहाँ से कल सस्ते में बांग्लादेश को निपटा पाएंगे या कुछ साकिब अल हसन बड़ा करने वाले और सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि कि रोहित शर्मा के आने से क्या केरल आउट टीम से ड्रॉप होंगे दूसरे टेस्ट में या सुमन गिल क्योंकि सुमन गिल ने अगले ही टेस्ट में शतक लगाएं और वहीं केलाल का बल्ला एकदम बिल्कुल शांत रहा है धन्यवाद वीडियो देखने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेलैकन भी दबा दीजिए